रोहतक में 3 कृषि कानूनों के विरोध में व किसान आंदोलन के समर्थन में आईएमटी चौक पर किसान कामगार महिला समिति की ओर से गीता अहलावत के नेतृत्व में महिला पिंक धरना जारी है, जिसमें महिलाओं का हौसला बढ़ाने धरने पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नादल उर्फ बल्लू प्रधान पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए बल्लू प्रधान ने कहा कि मातृशक्ति आज किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा, जिस भी आंदोलन को मातृशक्ति का साथ व आशीर्वाद मिल जाता है वह आंदोलन सफल होता है, और जो मातृशक्ति ने यहाँ रोहतक से महिला पिंक धरने की शुरुआत की है, ये जल्दी पूरे प्रदेश व देश में शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक 3 कृषि कानून बिलों को रद्द नहीं करेगी, तब तक उनका आंदोलन यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? अनिल नांदल, बल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही है कि अभी इस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन में लेडीज ज्यादा है और पुरुष कम है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, हम तो एक ही बात जानते हैं, जब जब इस देश में नारी शक्ति ने पुरुष का साथ दिया है उसकी 100% जीत हुई है, और हम अपनी मातृशक्ति का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं जो हमारे से आगे बढ़ चढ़कर हमारे हरेक जगह किसी मंत्री का घेराव करना है, किसी का और का घेराव करना है, डीसी का घेराव करना है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे हमारे साथ खेत में रहती थी ना, वैसे ही आज आंदोलन में हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिलाओं को काफी समस्या झेलनी पड़ती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इतनी समस्या झेलने के बावजूद भी महिला आंदोलन में मौजूद हैं। देखो, सारी घर की जिम्मेवारी होती है जो महिला के ऊपर होती है घर की, हम फिर भी एक ही बात दोहराती है, पूरे प्रदेश व देश की मातृशक्ति को हम नमन करते हैं। अगर वो अपना घर का काम भी देकर, देखो हम दिल्ली में बैठे थे, हमने 7वां महीना लगा दिल्ली में बैठे हुए, हमारी मातृशक्ति ने पानी भी दिया, हमारे गेहूँ भी निकाले, गेहूँ भी मंडी के अंदर बेचे है, पर लेकिन मैंने एक ही ऐलान किया था, 24 एकड़ जमीन दी, सभी फसल मैंने 24 की 24 एकड़ गौशाला और गरीब आदमी मतदान की है, वो मेरी मिसिज ने मातृशक्ति ने जाकर सारी दाल भूल की है। हम तो अपनी मातृशक्ति कभी शायद ही नहीं भूल सकते जिंदगी में। हिसार में जो विरोध हुआ था उसके बाद सरकार ने ये बोला था कि जो घरों के चिराग शहीद हुए हैं उनको घर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको इस बात में मजबूती नजर आ रही है? देखो जी, उस टाइम मैं हिसारी में था जब वो महाराज भाई शहीद हुआ था, उसको लेकर हमारे पास आए थे, तो सबसे पहले उठकर मैंने ये बोला था, अगर भाई हमारा उगालन गांव का रामचंद्र भाई शहीद हो गया है, सरकार इसके परिवार को सरकारी नौकरी दे, उस एक परिवार के लिए सरकार अलाउंस किया लागी, हमारे 400 से ऊपर किसान शहीद हो रहे हैं, उनके सब परिवार के लिए सरकार ने नहीं बोला। आपने कहा कि एक परिवार के लिए बोले और जो बाकी परिवार है उनके, हमने उनके बारे में पहले अलाउंस कर रखा है, एक सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिलना चाहिए। आपको सरकार की बात में सहमति लग रही है, सरकार की बात में मजबूती लग रही है या नहीं? देखो जी, इससे झूठी और निकम मेरे बेवकूफ सरकार हम लाज तक नहीं देखी। कहने का मतलब यह कि प्रशासन की बातें झूठी नजर आ रही है? सभी सरकार की बात झूठी है, प्रशासन दबाव में है, प्रशासन दबाव में रहता है। इस मुद्दे को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी तो छोड़कर यही अपील है, ये भगवानी सरकार को शुद्ध बुद्धि दे दे, और ये अंधत्तर हमारी मातृशक्ति जो पूरे देश में चारों तरफ बैठी है, उठ कर ही अपने घर चले जाए। और जी, मैं आपके माध्यम से एक सभी देश व प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ, 5 तारीख को जेजेपी का बीजेपी का अपने शांति प्रिय तरीके, क्योंकि पिछले साल 2020 में 5 जून को ये अध्यादेश लाए थे, 2021 को जून को पूरे 1 साल हो जाएंगे, इनकी अध्यादेशों की कॉपी उनके बारे में आकर शांति प्रिय तरीके से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन जताना है, एक क्रांति का माहौल बनाकर आराम से ये प्रोग्राम करना है। मैं बात करें कलोई मंडी की, कलोई मंडी में जो गेहूं है वैसे ही पड़ी है, आप देख रहे हैं कि मौसम जो वो हो रहा है, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया, किस तरह से बारिश की चेतावनी भी जताई जा रही है, उसको लेकर फसल को लेकर आपका क्या कहना है? देखो जी, हमारे साथ 8-7 गाँव के कलोई, बालोट, बोर, बलियाना, यानी के पाकसमा, लोणंद, इधर के मकडोली, कई आदमी लाडोत के इधर के कई गाँव के आदमी आए थे, और हमने SDM के साहब के माध्यम से DC साहब को ज्ञापन दिया था, अगर 1 दिन के लिए वो अपनी जो लाइन होती है इसकी गेहूँ खरीद की सरकार से मांग की है, वो चालू कर दे, अगर 1 हफ्ते में सरकार ने चालू नहीं की तो हम सारा गेहूँ मंडी के अंदर ही उतारना, वहाँ DC ऑफिस उतार देंगे और DC ऑफिस का घेराव कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता अहलावत है।
आप यहाँ किस मुद्दे को लेकर आए हैं? ये किसान मुद्दे को ही है, एक ही मुद्दा हमारा तो किसानों का ही है। क्या और हमने यहाँ जो है 26 तारीख को जिस दिन अपने इस किसान आंदोलन को चलते हुए 6 महीने पूरे होने हुए हैं और इस घटिया सरकार को चलते हुए उसी दिन 7 साल पूरे होने थे, उस दिन हमने काला दिवस भी मनाया है और ये अपना महिलाओं का पिंक धरना, पिंक किसान महिला धरना जो है शुरू किया है यहाँ से, उसकी यहाँ से हमने शुरुआत की है और हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक में और पूरे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, ये आशा भी करते हैं कि हर जगह शायद अब पिंक धरने शुरू हो जाने चाहिए महिलाओं के, क्या क्योंकि महिलाएं भी अपनी आवाज़ खुल के रख सके। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार तो माननी मुन्नी है जी, मान रही है रे सरकार ने, तो घोषणा करनी रह रही है। मैं आपने मैं बता दूँ और 2-4 महीने रुक जाओ, सरकार तो न्यू भी कहेगी आ जाओ जो कर तुम कहो गए हम न्यू तैयार रहा करने में। बात करें सरकार की, दिल्ली में जितने किसानों के चिराग शहीद हुए हैं, सरकार ने बोला था कि घरों घरों में सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको सरकार की बात में मजबूती नजर आ रही है? ऐसा जी, हमारे 472 किसान भाई शहीद हुए हैं वोटरों पे और सरकार ने तो उनके बारे में एक शब्द भी ना बोला है, बताई तो ढंग से। तो आपको मजबूती नजर आ रही है नहीं सरकार की बात से सहमत है? ना 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 जी, हमने सरकार पे ना कोई विश्वास ना कोई मजबूती नजर आ रही सरकार में। सरकार में मजबूती नजर आवे तो 6 महीने हमने बैठाओ को न सरकार, और जो है ना आकर जब बहनों का देख भैया अपनी बात बताओ हम तैयार हाँ जो हसोड़ जान चलो अपना आराम से घर करो और अपना काम करो। गुरनाम सिंह चंदूनी ने दिल्ली में आज मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते घरों से मतलब ट्रक भरकर जाएंगे दिल्ली में ताकि जो ये किसान मुद्दा है इसको मजबूत किया जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो जी हम रूटीन में जाते रहा हाँ, और जो गरीब और घने फ्री हो गए तो ये और घनी संख्या में जाएंगे, या तो कोई बुझड़ की बात को ना, ये तो हम लागे रहा हाँ, मतलब जोश इतना रहे आ रहे है, एक ट्रेली जोड़ा तो 2 भर जा है, इसकी तो आप बात मना करो। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति जी मतलब हमने न्यू मान लो जो है ना जल्दी से जल्दी इतना जन सैलाब खड़ा कर देना है कि जो है ना चारों तरफ जो है ना जनता ही जनता दिखाई देगी, और यही जो है अपील करती हूँ अपने जो है ना पूरे हरियाणा वासियों से, पंजाब से, राजस्थान यूपी से, कि घरा तो एक एक बंदा भी लकड़े हो भाई, मतलब बैठे मना रहो जनता, इसने सरकार ने न्यू दिखा दो कि कितनी जनता है। आंदोलन में लेडीज ज्यादा देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइव तस्वीरें किस तरह से लेडीज ज्यादा जुटी हुई है, उस बारे में आपका क्या कहना है कि लेडीज को किस तरह कौन सी जगह पर आप खड़ा देख पा रहे हैं? पहला तो जी मतलब एक झांसी की रानी होया करती, अरीब तो हरियाणा में घर 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 में अगर चारा तो चारा झांसी की रानी है, तो ये भी जो है ताकत ना दिखावांगे तो फिर कद दिखावांगे न्यू बता दो आप। अच्छा एक बात करें क्लोई मंडी की, क्लोई मंडी में जो गेहूं है गेहूं की आवक वो भी खरीदी नहीं करी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं कि बारिश भी आ रही है, मौसम विभाग से अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ, ये मेरे को सुनने में आया था कि जो है ना क्लोई हल्के में क्लोई की मंडी में जो गेहूं है बिक्री नहीं हो रहा, और 4 दिन पहले शायद विज्ञापन भी दिया है डीसी साहब को और 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, तो मैं यही अपील करूंगी प्रशासन से जो है ना डीसी साहब से कि थोड़ा हाँ देख लो उस तरफ भी जो है ना किसान दुखी हो रहे हैं और जो है ना बिक्री शुरू हो जानी चाहिए, क्यों तो परेशान कर रहे हो, बारिश आ जाएगी तो सारा गेहूं खराब हो जाएगा, हमने 1 हफ्ते का जो है अल्टीमेटम दिया है और 1 हफ्ते के बाद अगर सुनाई ना हुई तो ये नारी शक्ति सारी उड़ा जो है ना घेराव कर देंगी डीसी ऑफिस का। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।